अब सबसे पहले आप इस सवाल को देखिए, ये फेसबुक पर किसी बंदे ने पोस्ट की है। आप इसकी कमेंट बॉक्स में देखिए कितनी सारी कमेंट्स कर रखी हैं लोगों ने इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। कोई आंसर 5 बता रहा है, कोई 6, कोई 0 बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। और हकीकत में मैं आपको बताऊं, ये सवाल इस चिन्ह की वजह से और ज्यादा कठिन हो गया है, क्योंकि काफी लोग ना कंफ्यूज हैं इस सवाल को लेकर कि आखिरकार इस चिन्ह की जगह क्या लेना है, यही समझ में नहीं आ रहा। अगर आप इस सवाल को इस चिन्ह की वजह से 51,000 रुपए का भी इनाम रखोगे ना, और बाकी इसमें बेसिक रूल तो लगने ही वाले हैं, और मैं आपको इस सवाल को एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, और तीनों के आंसर अलग अलग आएंगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया आखिरकार कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। तो फिर इस सवाल को सॉल्व करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। अब सबसे पहले तरीके से सॉल्व करते हैं, आप सिंपल देखते चलो। हम क्या कर रहे हैं कि इसी साइड से सॉल्व कर रहे हैं, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, डिवाइड का चिन्ह ऐसा ही रहा, 3 ऐसा ही रहा, प्लस 0 और ये वाला चिन्ह ऐसा ही रहा। अब 3 का डिवाइड 3 में करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1, प्लस 0 और ये वाला चिन्ह ऐसा ही रहा। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस चिन्ह को भी 0 ही मान लेते हैं, तो ये 0 और ये 0 टोटल मिला के 0 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0। अब 1 प्लस 0 क्या होता है, 1, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करने पर हमारे इस सवाल का आंसर 1 आ चुका है, तो मैं इसको सॉल्यूशन नंबर 1 मान रहा हूं और एक बॉक्स में बंद कर देता हूं। और अभी आपको याद होगा हमने क्या रूल अपनाया था, लेफ्ट रूल अपनाया है, क्योंकि हम इस तरीके से सॉल्व करते हुए आए हैं, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको। अब हम इस सवाल को दूसरे तरीके से सॉल्व करते और इस साइड से करते हुए आएंगे। तो अब 6 - 3 तो ऐसा ही रहा, डिवाइडेड बाई भी ऐसा ही रहा, और ये 3 भी ऐसा ही रहा, प्लस इस चिन्ह को 0 ही मान ले तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर 6 - 3 ऐसा ही रहा, डिवाइड 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 मिल जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे कि 6 - 3 का डिवाइड 3 में करेंगे तो 1 मिलेगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू हमारी माइनस की बची है, तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी, 6 - 1 = 5। ये माइनस का सिंबल है, ये जो एक बॉक्स बड़ा सा बन चुका है, हाईलाइट हो रहा है, ये माइनस का सिंबल है। तो हमने जब इस सवाल को दूसरे तरीके से सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आंसर आया है 5। इसको भी हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब हमने इस वाले सवाल को कुछ इस तरीके से किया है क्योंकि हम राइट हैंड साइड से गए थे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ राइट, क्योंकि हम ऐसे गए हैं तो ये राइट हो गया, ऐसे आए थे तो ये लेफ्ट हो गया। अब हम इसी सवाल को तीसरे तरीके से सॉल्व करेंगे और इसको क्या करेंगे कि बीच में से सॉल्व करेंगे, मिडिल पॉइंट पे से। तो 6 तो ऐसा ही रहेगा, -3 का डिवाइड 3 में करेंगे तो हमारे पास 1 मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, प्लस 0 और ये वाला सिंबल ऐसा ही रहा। उसके बाद में 6 - 1 ऐसा ही रहा, प्लस इस 0 और इस चिन्ह की जगह पर हम 1 मान लेते हैं। ये 1 क्यों मान रहे हैं ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 6 और ये +1 इधर लिख लिया और -1 हमने इधर लिख दिया, तो हमारे पास क्या वैल्यू मिल जाएगी, 6 + 1 हो जाएगा हमारे पास 7, -1 टोटल वैल्यू जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 बचेगी। तो जब हमने इस सवाल को तीसरे तरीके से किया है तो इस सवाल का आंसर हमारे पास 6 आ गया, और मैंने इसको भी एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब कंफ्यूजन ये है कि एक ही सवाल है हमारे पास जो तीन तरीके से सॉल्व हुआ है और तीनों ही आंसर अलग अलग है। पहले को सॉल्व किया तो 1 आया, दोबारा सॉल्व किया तो 5 आया, और ट्रिपल तरीके से सॉल्व किया तो हमारे पास 6 आया। पहले में लेफ्ट से किया था, दूसरे में राइट से, और तीसरे में हमने किया था मिडिल से, यानी कि बीच बिंदु से सॉल्व किया था, डिवाइड से। तो अब आपके लिए सवाल ये है कि इन तीनों में से कौन सा तरीका सही है और कौन सा आंसर सही है। चलिए अब इन तीनों सवालों से कौन सा आंसर सही है और कौन सा तरीका सही है उसको समझने के लिए मैं आपको एक बेसिक रूल बताता हूँ। वो आपकी समझ में आ गया तो ऐसे सवाल बहुत ही आसानी से कर लोगे आप। और वो रूल है बोर्ड मास। बोर्ड मास की फुल फॉर्म होती है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, कोष्टक हिंदी में कहते हैं। 3 कोष्टक होते हैं, छोटा, मझला और बड़ा कोष्टक। सबसे पहले छोटे को सॉल्व करते हैं, फिर मझले कोष्टक को, फिर बड़े ब्रैकेट को।
इसका मतलब इन ब्रैकेट में से तो कोई है ही नहीं, तो चलो इसे छोड़ो। फिर उसके बाद ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, का में क्या है, ऐसी एक लाइन होगी इस तरीके से एक्सप्रेशन बन जाएगा वो, उसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के बाद, या फिर कोई भी पावर होगी उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे सवाल में कोई भी पावर भी नहीं है तो हम इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे सॉल्व करना है डिवाइड को, यानी कि भाग, और भाग के चार चिन्ह होते हैं, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे या इस तरीके से। अब इस सवाल में ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, तो क्या हमने डिवाइड को सॉल्व किया है सबसे पहले? नहीं किया, हमने तो 6 में से 3 को घटा दिया है, बाद में डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब हमने रूल के हिसाब से इस सवाल को गलत कर लिया। बोर्ड मास का नियम कह रहा है कि तीसरे नंबर पे डिवाइड को सॉल्व करो, लेकिन हमने घटाव को पहले कर दिया, इसका मतलब ये गलत हो गया। क्या हमने इसमें सॉल्व किया? नहीं किया, हमने इसमें राइट साइड से सॉल्व किया, डिवाइड को तो बाद में किया है, पहले जीरो को ऐड कर दिया, इसका मतलब ये वाला सवाल भी हमारा गलत हो गया। ये तरीका भी गलत है और सवाल भी गलत है, तो ये दोनों तरीके और दोनों सवाल गलत हो गए। अब हमारे पास बचा ये तीसरा वाला तरीका जो है मिडिल का। तो क्या हमने इस सवाल में सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व किया है? जी हाँ, हमने डिवाइड को ही सॉल्व किया है, 6 माइनस ऐसा ही रहा, और 3 का भाग 3 में करेंगे तो 1 आता है। इसका मतलब बोडोमास के रूल के हिसाब से हमने भाग को सॉल्व किया है, तो ये अब तक तो सही है। फिर उसके बाद में प्लस और जीरो और ये वाला चिन्ह ऐसा ही रहा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 6 माइनस 1 ऐसा ही लिखा, प्लस भी ऐसा ही लिख दिया, इस जीरो और इस चिन्ह की जगह पर हमने 1 लिखा है। अब ये क्यों लिखा है वो मैं आपको सिखाता हूं, और ये ही इस सवाल का सबसे ज्यादा कठिन पॉइंट है, क्योंकि बाकी तो बहुत आसान है ये सवाल, इस चिन्ह की बदौलत ही ये सवाल कठिन है। तो अब इसको ही समझाता हूं मैं आपको। जब आप क्लास 11th में थे तब आपने ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, फैक्टोरियल, इस वाले चिन्ह के सवाल दिए होते हैं जो आप अब देख रहे हैं, जो मैंने जीरो लिखा है ना, तो ये वाला जो चिन्ह है ये फैक्टोरियल में ही आता है। इसके सवाल कैसे होते हैं वो मैं आपको याद दिलाता हूं। जैसे ऐसे लिखा होता 4 फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब है रिवर्स प्रोसेसिंग मल्टीप्लीकेशन, 4 का गुणा 3 में गुणा 2 गुणा 1 फैक्टोरियल, कुछ इस तरीके से। या फिर ऐसे 5 का फैक्टोरियल निकालने का मतलब है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 फैक्टोरियल, कुछ इस तरीके से। तो अब इनका हम आपस में गुणा कर लेंगे, 4 3 12 2 24, तो 24 आंसर होगा 4 फैक्टोरियल का। और 5 का गुणा करेंगे, 5 4 20, 20 60 60 2 120, तो 120 आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल का। ऐसे ही अगर 1 फैक्टोरियल लिखा है तो 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 ही होगा। ऐसे ही 2 फैक्टोरियल लिखा है तो 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 गुणा 1, 1 फैक्टोरियल लिख दो या 1, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। ऐसे ही वैज्ञानिकों ने प्रूव कर दिया है कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अब 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है वो आपको कभी भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर आप कमेंट कर पूछेंगे। लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि ये सिंबल है ना, ये फैक्टोरियल का सिंबल है, और फैक्टोरियल को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो 0 फैक्टोरियल 1 होगा, तो इसी वजह से मैंने 0 फैक्टोरियल 1 लिया है। ठीक है, अब आपकी समझ में आ चुका होगा। अब एक और बात, डिवाइड के बाद मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं, वो हमारे सवाल में है नहीं, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। तो क्या हमने इसमें एडिशन को सॉल्व किया है? जी हाँ, 6 और प्लस 1 पहले लिखा है, माइनस 1 बाद में। तो सबसे पहले 6 प्लस 1 किया है यानी कि 7, तो 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। इसका मतलब इस वाले सवाल को हमने बोर्ड मास के रूल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली सॉल्व किया है, तो हमारे इस सवाल का आंसर 6 होगा। इसका मतलब 1 2 3 में से तीसरे नंबर का सवाल जो सॉल्व किया है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब आपकी समझ में ये कॉन्सेप्ट आया है या नहीं, उसके लिए मैं आपको एक सवाल देता हूं, उसे सॉल्व करना। 5 / 3/2 + 8 / 2 इसका क्या आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, और आगे ऐसी ही वीडियो और आने वाली है तो उन्हें देखना ना भूलें। धन्यवाद।